हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल फार्मिंग विद अनिल। तो फाइनली गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लाइक जैसा कि आप जानते हैं इस समय मई मंथ चला है, तो मई मंथ का लगभग एंड हो गया है। लगभग ये मानिए आप जून मंथ स्टार्ट हो गया, तो जून मंथ में बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। तो इसी टाइम हम अपने लाइक जो बारिश की वेजिटेबल्स होते हैं उनके प्रिपरेशन करना होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लाइक जैसा कि आप जानते हैं हम अपने होम गार्डन में जो बैंगन की खेती करने जा रहे हैं, तो उसके लिए जो बैंगन का सीड होता है उन्हें लगाएंगे ताकि वो प्लांट के रूप में तैयार हो और फिर उन्हें उखाड़ कर हम एक से दूसरी जगह यानी ट्रांसप्लांट कर दें। दोस्तों, जो सीड लगाने का टाइम था वो लगभग थोड़ा डिले हो गया है, बट इससे कोई मैटर नहीं करता है। 10 से 15 दिन डिले हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, हम अपनी सीड को लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार हम अपनी सीड को मिट्टी में बोएंगे ताकि वो प्लांट के रूप में रेडी हो। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। गाइस, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, ये मेरा क्यारी है। तो इस क्यारी में हम इस हाइब्रिड सीड है, ये मेरा, इस सीड को लगाएंगे, ये जो कि हम मार्केट से परचेज किए हैं। इसे आप भी मार्केट से परचेज करते हैं, लगभग 150 रुपये में मिल गया है हमें, और 2000 सीड हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसको अपने लाइक जो क्यारी है उस क्यारी में लगाते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप जानते हैं मैं इस चैनल पर गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोज डालता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आपको दिखाते हैं किस प्रकार हम अपने सीड को लगाएंगे मिट्टी में। तो दोस्तों, जैसा कि हम बता दें कि अपनी क्यारी किस प्रकार रेडी किए हैं, तो ये दोस्तों जो मेरा क्यारी था, इसमें हम ऑलरेडी जो मेरा गार्लिक था वो गार्लिक लगाए, तो फिर उन्हें निकालने के बाद जो क्यारी था वो कुछ दिन हम छोड़ दिए थे, फिर इस क्यारी में हम लगाने वाले हैं। तो कुछ ज़्यादा नहीं कि इस क्यारी की 2 बार गुड़ाई करनी है, गुड़ाई करने के बाद हम अपनी सीड को इसी तरह लगा देंगे, और लगाने के बाद किसी भी फावड़े की मदद से आप उसे बराबर कर सकते हैं ताकि मेरा सीड मिट्टी के अंदर हो जाए। ये दोस्तों, हम इस सीड को निकालते हैं। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार जो मेरा सीड है वो है, काफी अच्छा लग रहा है। ये दोस्तों, ये मेरा सीड है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है, प्रीमियम क्वालिटी का है। तो चलिए, इस सीड को हम अपनी क्यारी में लगाते हैं, तब तक आप वीडियो को देखते रहिए। आप देखे जो मेरा क्यारी था, उस क्यारी में हम अपना सीड बो दिए हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों, आप भी अपने सीड को लगा सकते हैं क्यारी में। सो आई होप दोस्तों कि आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल पर डेली गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।